ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत स्वच्छ और हरित ग्रह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम हरित ऊर्जा पर अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाले G20 देशों में से पहले थे। ये प्रतिबद्धताएं 2030 के लक्ष्य से 9 साल पहले ही पूरी कर ली गईं और पिछले 10 वर्षों में भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 3000% से अधिक बढ़ी है। हम मौजूदा समाधानों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम नए और नवोन्वेषी क्षेत्रों पर भी विचार कर रहे हैं। यहीं पर हरित हाइड्रोजन तस्वीर में आती है। Towards creating friends, India is committed towards creating cleaner and greener planet. We were the first among G20 nations to fulfill our Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030. India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. Our solar energy capacity increased over 3000% in the same period. But we are not resting on these achievements. We remain focused on strengthening existing solutions. We are also looking at new and innovative areas. This is where green hydrogen comes into the picture.